हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है मंडे का। मंडे को छुट्टी थी बच्चे लोगों की, और बस ऐसे ही बैठे बैठाए दोपहर में प्रोग्राम बन गया कि बाहर चलते हैं। और अराउंड 1 बजे का वक्त था तब शर्मा जी ने बोला कि उनको बाहर घूमने का मन हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, थोड़ी फोटोग्राफी करनी है। एक्चुअली उनके पास एक दो नए लेंस आए हैं, वो बस उन्हें ट्राई करना चाहते थे। तो मेरा भी लॉन्ग ड्राइव पे जाने का कब से मन था। मैं बाहर नहीं गई थी एज सच बहुत वक्त से, सिर्फ घर के सामान लाने के लिए ही जा रही थी। देन आई थॉट कि हाँ, अच्छा आइडिया है ये, और मंडे है तो भीड़ भी कहीं नहीं होगी। तो बस हम लोग दोपहर में निकले थे बाहर घूमने के लिए। थोड़े अपने कपड़े आयन कर रही हूँ, मैं बच्चे लोग के कपड़े आयन करूँगी। आफ्टर ऑल बच्चे लोग को तैयार करने की जिम्मेदारी मॉमीज़ की होती है, तो बस उनके कपड़े वगैरह मैं तैयार करूँगी, बाल वगैरह सजाऊंगी, एंड देन वी आर गुड टू गो। हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए। और बच्चे लोगों को तैयार करने के बाद मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई। ऐसे सच में बहुत हैवी मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। और ये देखिए शर्मा जी को, शर्मा जी वेल इक्विप्ड हैं, अपने लेंस कैमरा का बैग लेकर आराम से वो निकले हैं। उनकी प्रेफरेंस है कि कैमरा और लेंस मैंने लेके जाना है, चाहे बीवी बच्चे घर पर छूट जाएँ। उन्होंने बड़े प्यार से अपना पूरा बैग तैयार किया है, हर तरह के लेंस उसमें रखे हैं। उनको परवाह नहीं है कि बेटा मम्मा कहाँ हैं, तुम दोनों तो कार में बैठ गए, वेयर इज़ योर मॉमी। बस उन्हें अपने बैग से मतलब है। तो इवेंचुअली मॉमी भी आई गई और बस हम लोग निकल पड़े। बहुत ही क्लोज बाय ये जगह है, इतना नज़दीक भी नहीं है। यहाँ हम पहले जा चुके हैं, वडवाना नाम है, और बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है ये जगह। और हम लोग पहले भी गए थे तो भी बर्ड्स के बहुत सारे फ़ोटोज़ शर्मा जी ने लिए थे। और क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं बेसिकली, तो उनके अंदर है ना हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखने की आदत है कि इसका फ़ोटो कैसा आएगा। तो वो अपने जो न्यू लेंस हैं उनको टेस्ट करने के लिए वडवाना जाना चाहते थे। और रास्ते भर में देखिए कितने सारे गणपति जी हमको मिले। पीपो पीपो चेक करके आयो? काफी देर लग गई। हाँ बना रहा था, 2:51 का टाइम था। ओके फाइन, चले। अच्छा, और हम लोगों ने लंच नहीं किया था अभी तक, तो भूख लगने लगी। तो थोड़ी सी ये गार्लिक ब्रेड शर्मा जी ले आए थे, बाकी रास्ते भर थोड़ी बहुत मंचिंग वंचिंग चलती रहती है।
देखिए जो अनप्लान्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके साथ तो ऐसा ही होता है। अगर पहले से प्लान करें कि हाँ हमने कल कहीं जाना है तो आप पहले से तैयारी कर सकते हो। मैं यूजुअली जब पता होता है कि कहाँ जाना है कितना वक्त लगेगा तो उस हिसाब से मैं थोड़ा खाना पीना पहले से बना के रख लेती हूँ। पर इस तरह के एकदम सडन प्रोग्राम के लिए कहाँ से तैयारी की जाए, तो बस ऐसे ही जितना भी घर में रेडी टू ईट था वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने ले लिया था। क्या हुआ? पानी पानी बर्ड्स तो आई नहीं। नो बर्ड्स। पापा वो ही बर्ड। हाँ बस वही आई। वो भी तुम्हारी रेस्पेक्ट करके आ गई कि अरे शर्मा जी लेंस लेकर आए हैं, चलो थोड़ा फोटो शूट कराएं। फोटो शूट करा लेंगे। कितना पानी है यार। पर ड्रैगन फ्लाइज तो बहुत है सौरभ। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई। और ऐसा ही होता है जब घर का तीसरा बच्चा फरमाइशें करता है। किसको शूट कर रहे हो तो आई कांट सी एनीथिंग। अच्छा हाँ 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 फाइन। अरे ये डक ऐसे अंदर डिप करती है तो फिर कितनी देर में आती है बाहर निकल के? अरे एक ड्रैगन फ्लाई आ जा अच्छी से यार। बेइज्जती हो गई आपको। पापा बोल रहे ड्रैगन फ्लाई तो बहुत है सोनू। और ये तितलियां हैं शायद, तितलियां भी बहुत है। कहाँ है तितली? मैंने देखे। क्या हुआ बच्चे लोग? बर्ड्स नहीं है ना? बर्ड्स आती है। पर ऐसे भी तो अच्छा लग रहा है, देखो कितना पानी है। ब्यूटी। मम्मी आपको पता है जो रोब्लॉक्स खेलता है उसके अंदर वो इस पानी में तैरना शुरू कर देगा अगर वो कूद जाए तो। आपको पता है गाइस कल है ना शर्मा जी का बर्थडे है 3 सितंबर को, और उन्होंने बोला मुझे जाना है, मुझे पहले लेंस तो ये जो लेंस आप देख रहे हो ना ये उन्होंने पहले ही अपने लिए गिफ्ट खरीद लिया, अब कल उनको कुछ नहीं मिलेगा। अग्री और नॉट, नहीं देना चाहिए ना कुछ भी। इस पानी में फिश नहीं है क्या? है ना, देख बत्तख दिखा, बत्तख। पापा कुछ हेलीकॉप्टर वो रहा। देख बत्तख हो रही। सर थोड़ा अच्छे से क्लिप बनाओ ना, मेरे फोन में बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा है। ये क्या है? ट्राइपॉड लाता हूं, रुक पकड़ो। दो पकड़ो, दो दो दो। क्या हुआ? क्या हुआ वहां पे? उड़ाना मत उसको। नहीं नहीं जूम कैसे होता है इसमें? पर है क्या यहाँ पे? जूम करने की जरूरत नहीं, उसके पास ले जाओ। उड़ जाएगा ना, नहीं उड़ेगा। ब्राइट येलो। दिख गया। दिख गया? अब नहीं दिख रहा। बुरा बुरा देख वहाँ देखा। हाँ अब तो ये उड़ ज़्यादा रहा है। इसको शायद डिटेक्ट हो गया कि इसके आसपास ले जाए। आपका फोन बेकार है, इसमें कुछ पता नहीं चलता। वहाँ चला गया बेटा वो नीचे, मैंने उसे देखा। तो डक का दांव भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो इससे बड़ा है नीचे शायद।
स्टॉप स्टॉप मम्मी आपको पता है मैंने उधर ना ग्रीन एंड छोटे से हेलीकॉप्टर जैसे कुछ इंसेक्ट देखा हेलीकॉप्टर दैट इज कॉल्ड ग्रास हॉपर बहुत सारे ग्रास हॉपर हैं देखो वहाँ एक है रुको जूम करते हैं ये इसके टिप पे बैठा हुआ है कैन यू सी सी घास के ऊपर ग्रास हॉपर है ये ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर नहीं है ना नहीं हाँ क्या बोलते हैं इसको कुछ ड्रैगन फ्लाई हाँ ड्रैगन फ्लाई दीज आर पर वो तो रेड नहीं होते पिकनिक कर रहे हैं कितने सारे मंकीज हैं वहाँ पे वही पिकनिक मंकीज पिकनिक मंकीज क्या हुआ देख मंकीज वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं मामा देखो कितनी सारी ड्रैगन फ्लाईज हैं है ना बहुत है बेटा देखो इनको देखो देखो यही तो फन है ऐसे मत करो अगर अंदर फिश होगी तो वो डर जाएगी सॉरी फिश यू टू सॉरी फिश फोटो ही कह रहे थे तुम तभी इसमें ये कौन सी बर्ड है बताओ ये फ्लेमिंगो और ये क्या है फिश क्लाउन फिश ये सी हॉर्स है ना क्लाउन हॉर्स क्लाउन फिश और ये तो फाइंडिंग डोरी है हाँ और ये डक्स और ये शार्क क्लाउन फिश और डोरी आ जाओ धीरे धीरे गिरना नहीं तोड़ लिया फाइनली मम्मी मम्मी सने बुला रहे हैं दीज आर ब्यूटीफुल चलो चलो रेस लगाते हैं मैं जीत जाऊंगा तो शर्मा जी को बर्ड तो एक भी नहीं मिली लेकिन हम लोगों को बहुत सारे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स दिखे रास्ते में और मेरे बच्चे इतने क्रेजी हो जाते हैं ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स देखकर क्योंकि कॉमनली देखने नहीं मिलते उन्हें अच्छे लगते हैं चार्मिंग लगते हैं बट इस दिन हमने मज़ा बहुत किया पहली बार हम लोग इस तरह सड़क पर उतर के मतलब प्रॉपरली गाँव को एक्सप्लोर किया हम लोगों ने कितनी ग्रीनरी खेत और मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग जो रहते हैं इधर शहरों में ये सब सिर्फ पार्क्स में देखने के लिए मिलता है और पार्क्स में भी जाना अब नहीं हो पाता है जब बच्चे छोटे थे तब मैं उन्हें रेगुलरली ले जाती थी पर अभी सबका लाइफ थोड़ा सा यू नो हेक्टिक हो गया है और इस तरह कभी कभी जब प्रोग्राम बनता है तो सच मानिए बहुत अच्छा लगता है नेचर के करीब जाकर शर्मा जी को लग रहा था इट वाज़ अ फ्लॉप शो आज का प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए था बट एट द एंड ऑफ द डे मज़ा बहुत आया इतना मतलब सीनिक ग्रीन नेचर देखा हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत फ्रूटफुल लगा ये डे
और शाम होते होते फिर हम लोग घर आ रहे थे, तो भूख वापस लगने लगी, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत खा लिया जाए, और शॉपिंग करने का भी मूड था, बट इवेंचुअली हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह किया नहीं, घर आना चाहते थे हम लोग जल्दी से। पर हम लोग यहाँ अपने नज़दीक के एक मॉल आए थे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। दोनों के खुले, अरे लेसेस बांधो। क्या है ये खुशी? हम कैंडीज लाए हैं। पापा ने लिया है ना, पता है मुझे, और पापा खा भी रहे हैं सबसे पहले। और ये हैं हमारी सोसाइटी के गणपति जी, पूरे 10 दिन के लिए रखे गए हैं। अब जाके कपड़े चेंज कर लेना और सुबह का स्कूल का तैयारी कर लो। ओके, सारी मत फिनिश करो, आपको भी खानी है। वैसे भी कितनी सारी आंटीज को बहुत परवाह है कि बच्चों के दांत डिक्के हो जाएंगे, इतना मीठा मत खाओ। नहीं, सच्ची बात है, सही बात है ना। और सोते सोते भी सबको भूख लगने लगी, तो अभी मैं इतनी रात में क्या बनाऊं, मुझे सूझा कि मैं मैगी बना लेती हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल वाली, इजी भी रहेगी, और ज़्यादा वेजिटेबल डाल दूंगी तो उतना बड़ा कोई जंक जैसा भी नहीं हो जाएगा। तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है ऑयल, ऑयल में डाला है थोड़ा प्याज और बहुत छोटा काट के आलू, इसके ऊपर नमक डाल दिया है जिससे दोनों गल जाएं। ढक्कन लगा के पकाइए जब तक कि आलू थोड़े से पक जाएं, एकदम तो नहीं पकाने की ज़रूरत है, ये धीरे धीरे ड्यूरिंग द प्रोसीजर पकता ही जाएगा। पर आलू थोड़े ज़्यादा पक जाएं, लाइक 70%, तब मिला दीजिए जो भी आपके पास सब्जियां हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया है टमाटर, कैप्सिकम, और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे पाव भाजी का मसाला, ये एक ट्विस्ट है, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। थोड़ा गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और थोड़े से कॉर्न जो मैंने पहले ही दिन फ्रीज किए थे, और थोड़े से मटर। आपके पास जो भी सब्जियां हो ना, जैसे कैरेट्स हो गए, बीन्स हो गए, ब्रोकली हो गया, जो आप चाहें वो मिला सकते हो, जो आप खा लें। तो बस मेरे पास इतनी सब्जियां अवेलेबल थी और ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, दो मैगी के लिए इतनी सब्जियां बहुत हैं, तो मैं इससे ज़्यादा और सब्ज़ी नहीं मिला रही हूँ। दो मैगी जैसे मैंने आपको बताया लेने वाली थी मैं, तो दो मैगी का मसाला मैंने यहीं डाल दिया और पानी डालकर इसे थोड़ा सा पकने रखा है। इसके बाद दो मैगी को थोड़ा छोटा छोटा तोड़कर मैंने डाल दिया है, और थोड़ा पानी अंदाजे से रखिएगा, ओवर कुक नहीं करना है मैगी को, और क्योंकि मैगी को ओवर कुक नहीं करना है इसलिए सब्जियां सारी पहले से ही पका लीजिए, बस ढक्कन लगा के इसे पकने रखिए, 2 मिनट में तैयार हो जाती है मैगी। आई नो आप जानते हैं कितनी देर में तैयार होती है मैगी, बट ये अच्छी लगती है, बहुत सारी वेजीज होती हैं इसमें, और थोड़ा मसाला आपके हिसाब से करते हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और एज सच वो फीलिंग नहीं आती कि हमने भैया एकदम ही जंक खा लिया, थोड़ा वेजिटेबल का इसमें पोर्शन ज़्यादा है, और कितना भी कोई जंक बोले मैगी सभी खाते हैं, तो छोटी मोटी भूख के लिए या इतनी लेट नाइट भूख लगे तो फिर मैगी ही याद आती है। तो बस हो गई है मेरी डिलीशियस सी मैगी तैयार, और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक दीजिए, रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।